आलिया तुम आ गए, मैं पता नहीं कितना लोनली फील करेंगे तुम्हारे बिना। इसमें छोड़ के कहीं मत जाना। आदि इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? वो तुम्हारा कैंपेन? मैं कैंपेन के बीच में से ही वापस आ गया। मुझे पता चला यहाँ पे दादी की तबीयत खराब है और पापा के साथ। आदि जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मेरी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। तुम्हारी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, और इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वो तो तुम्हारी फ्रेंड स्टूपिड है, उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है आलिया। दादी, दादी बिल्कुल ठीक है, फिट फाइन है, अभी मिल के आया हूँ उनसे, और मुझे देख के ना और भी ज्यादा खुश हो। चलो इधर इधर। नहीं अभी पापा से कोई बात नहीं हुई, चिट्ठी ने बोला वो ऑफिस चले गए। आज ऑफिस मत जाना प्लीज। अगर तुम ऐसी ऐसे सैड रहोगी तो मैं अभी चले जाऊंगा ऑफिस। सैड मत हो बिल्कुल, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। हेलो, यस मिस्टर पन्नू। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये प्रोजेक्ट भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले वाला। ऐसा नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कम वैल्यू दे रहा हूँ, वो तो थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे आना पड़ा और कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपसे ऑफिस में मिलता हूँ एक घंटे बाद। क्या हुआ मिस्टर तनीजा, गुस्सा है क्या? थोड़े से, पर मैं मना लूँ। आलिया आई एम सॉरी, ऑफिस जाना पड़ेगा यार, पर सुनो मैं जल्दी से आ जाऊंगा, फिर उसके बाद मेरा सारा टाइम तुम्हारा। ठीक है। मैं मानता हूं कि कैंपेन को बीच में छोड़ के यहां आ जाना गलत है, आदि को नहीं आना चाहिए था, लेकिन फैमिली इमरजेंसी थी, ही हैड टू कम। मुझे पता है एग्जैक्टली क्या हुआ था मिस्टर बल्ला, आपको पुलिस ने अरेस्ट किया था ना ड्रग्स कैरी करने के सिलसिले में। आप दोनों बाप बेटे इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हैं? ऐसे में कौन आपके साथ बिजनेस डील करना चाहेगा मिस्टर बल्ला? मिस्टर तनेजा प्लीज गेट द फैक्ट्स राइट, उस केस में मेरा कोई हाथ नहीं था, मेरी गलती नहीं थी, इट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, इसलिए फंस गया था मैं। छूटने के बाद तो हर इंसान यही बात करता है। एक्सक्यूज मी, आप मेरे पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? जो असली मुजरिम है वो इस टाइम पुलिस के लॉकअप में बंद है, और रही बात आपकी रेप्यूटेशन की, वो अभी तक खराब नहीं हुई और हमारी कंपनी उसको खराब करेगी भी, सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आलिया यू नो मुझे तुमसे बात करनी है, ये मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज हूँ, और मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज नहीं हूँ। मुझे पता है जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर हमारे दोस्त हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे दोस्त हम बनाते हैं उससे पता लगता है कि हम कैसे इंसान हैं। कहीं ना कहीं जब हम दोस्त बनाते हैं तो हम उनकी हर आदत से सहमत होते हैं, वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो। नाउ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स सृष्टि, पता नहीं उसको क्या लगता रहा हो, उसको तो शायद ये लगता होगा कि तुम उसकी जो ड्रग डीलिंग वाली आदत है इससे तुम सहमत हो, यही लगता होगा ना। इनफैक्ट उसके आसपास के फ्रेंड्स जिनको उसके बारे में पता होगा उनको भी यही लगता रहा होगा। नहीं ट्रस्ट मी, मेरे कोई भी फ्रेंड्स ऐसे नहीं है, एंड मुझे नहीं पता था सृष्टि शी इज इनटू ड्रग्स। हाउ वुड यू नो कि तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स ऐसे नहीं है? आदि तुम अपने फ्रेंड्स की अभी गारंटी नहीं ले सकती, तुमको इसके बारे में नहीं पता था राइट?
मतलब कि तुम अच्छे से अपने फ्रेंड्स को भी जज नहीं कर पा रही वालिया। ड्रग के साथ पाई जाना बहुत बड़ी बात है, अगर तुम पकड़ी जाती तो इट्स अ बिग डील। पर उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं थी, वो गिल्टी ही नहीं फील कर रही थी। तुम्हें अपने दोस्तों को लेके बहुत केयरफुल होना चाहिए। खराब दोस्त होने से अच्छा है कि दोस्त कम हो। और रमन को लेके अभी तुम चिंता मत करो, है बहुत नाराज है, थोड़ा वक्त तो जाएगा, इस बार लगेगा वक्त। अगर आपकी दादी की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? इस प्रोजेक्ट में मेरा पैसा लगा हुआ है, आप लोगों के अंदर कोई सीरियसनेस है या नहीं? और मिस्टर भल्ला, मुझे ये भी पता चला है कि आपने हमारे प्रोजेक्ट में से 10% वर्कफोर्स अपने किसी नए प्रोजेक्ट में लगाए हुए हैं, इज इट ट्रू? हाँ, लेकिन इसका आपके प्रोजेक्ट पे कोई असर नहीं हुआ। आई होप ऐसा ही हो, और आप लोगों के बिजनेस स्किल्स देख के मुझे ऐसा लगता नहीं। और हाँ आदित्य, मुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने आपके साथ ये प्रोजेक्ट करके भूल की है, और आप अगर इसे हैंडल नहीं कर सकते तो बता दीजिए, मैं किसी और को हायर कर लूंगा। वैसे भी मार्केट में टैलेंट की कमी नहीं है। पापा, आपने वर्कफोर्स ले लिया, आप इस बारे में मुझसे डिस्कस नहीं कर सकते थे एक बार? रहने दीजिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार? पुत्र जी, पापा जी, क्या चाहिए था? मम्मी जी ठीक है? बैठे ना प्लीज। हाँ पुत्र, वो ठीक है, आराम कर रही है। दरअसल मुझे ना तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। बताइए ना। दरअसल मेरा ना एक दोस्त है, उसे ना वो क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है बिल्डिंग रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। उस बेचारे को कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं करना आता। मैंने उसे बोल दिया कि मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, मैं बनवा के दे दूंगा, तो तुम इसमें प्रेजेंटेशन बना के दे दोगे? पापा जी बना तो दूं, लेकिन ये काम रूही और भीका ज्यादा अच्छा कर पाते, उन्हें एक्सपर्टीज बहुत है इसमें। और पुत्र क्या है कि इस प्रेजेंटेशन के बारे में ना मैं ज्यादा लोगों को बताना नहीं चाहता, मेरे दोस्त ने मना किया है ना, तुम ही बना दो तो अच्छा रहेगा। ठीक है पापा जी, मेरा थोड़ा बहुत जो आता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी ऑनलाइन देख देख के करती हूँ। बैठिए ना, मैं देखती हूँ क्या है। ये तो बहुत अच्छा बन गया पुत्र, मेरा दोस्त जो है ना खुश हो जाएगा देखकर। पापा जी, अभी मैंने सेव भी कर दिया आपके पेन ड्राइव पे। नहीं पुत्र, तू एक काम कर, इसका ना प्रिंट आउट निकाल के दे दे मुझे। बस तो कंप्यूटर नहीं है, आप कह रहे थे। ठीक है मैं करती हूँ, एक मिनट। पापा जी शायद पेपर खत्म हो गए प्रिंटर के, मैं काम करती हूँ, अभी जा ही रही हूँ क्लिनिक तक, तो मैं ना वहाँ से पेपर्स लेके आऊंगी। ठीक है पुत्र, इस प्रेजेंटेशन के बारे में ना किसी को बोलना मत। हाँ बाबा जी, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, सीक्रेट। ठीक है। जी, मैं भी निकलता हूँ। हाँ मिस्टर गुप्ता, आप प्लीज खुद जाकर फैक्ट्री में चेक कीजिए जी, अगर और मैनफोर्स चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए। ओके। पढ़ फिगर्स देख, तेरे प्रोजेक्ट से जो मैनफोर्स मैंने लिया है ना, उससे तेरे प्रोजेक्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा है। बात ये नहीं है पापा, बात ये है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। ये बात मुझे मिस्टर तनेजा से पता चल रही है, जबकि आपको मुझे बताना चाहिए। मेरे पास वक्त था, थैंक्स टू योर वाइफ, पहले ऑलमोस्ट अपनी मां को खो दिया, फिर मैं अरेस्ट हो गया, किसकी बदौलत? आलिया की। पापा प्लीज, आलिया ने ये सब कोई जानबूझ के तो नहीं किया है ना, और आप प्लीज उसको ब्लेम करके अपनी गलती मत छुपाओ। आपने भी तो नहीं बताया ना मुझे, हाँ मेरे प्रोजेक्ट में से आपने 10% मैनफोर्स हटा दिया, क्यों? आपके सामने मिस्टर तनेजा ने बोला है कि वो मुझे प्रोजेक्ट से बाहर निकाल सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। आप प्लीज अपने ईगो के चक्कर में मेरा प्रोजेक्ट मत बर्बाद करो पापा। ईगो? तुझे लगता है ये सब मैंने अपने ईगो की वजह से किया? हाँ, आपके ईगो की वजह से। आपका ईगो हर्ट हो गया होगा ना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुझे अपने बलबूते पे मिला, ना कि आपके किसी हेल्प की वजह से, ना आपके सपोर्ट की वजह से। आदि इनफ। सुनिए। हाँ जी। आप इशिता भल्ला है? जी मैं इशिता हूँ, आप कौन? मेरी गर्लफ्रेंड को पुलिस में पकड़वा के मुझसे पूछती है कि मैं कौन? आपकी गर्लफ्रेंड सृष्टि, आपकी गर्लफ्रेंड
आई एम सो सॉरी, मुझे सृष्टि से कुछ नहीं लेना देना. दरअसल सृष्टि के कारण मेरे पति पुलिस की हिरासत में थे और आप जानते हैं वो उसके कन्फेशन के बिना नहीं निकल सकते थे बाहर. मुझे सृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ रहे हैं ना. जस्ट कूल डाउन. चुप कर. पुलिस ने उसे तुम्हारी वजह से पकड़ा है ना. अपने पति को बचाने के लिए तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का सहारा लिया. अब देख तेरी मदद से उसे मैं कैसे बाहर निकालूंगा. चुपचाप मुंह बंद कर और अंदर बैठ. अंदर बैठ. नहीं अंदर बैठ. अंदर बैठ. पैर अंदर कर. मामी का बोलो क्या वो ठीक तो है. क्या हुआ पापा? इश्ता पे अटैक किया किसी ने. और कुछ बताना है आपको? नहीं जी, जो भी था मैंने बता दिया आपको. ओके मैडम की साइन ले लीजिए. सब कैसे तुम ठीक तो? रमन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, शगुन ने बचा लिया थैंकफुली. थैंक गॉड. इंस्पेक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, कहीं वो आदमी ने अगर दोबारा इसी तरह. डोंट वरी मिस्टर भल्ला, वो जेल में है और अब आपको उससे कोई खतरा नहीं होगा. थैंक यू सो मच. वो कौन था आदमी? रमन वो आलिया की ड्रग डीलर फ्रेंड है ना सृष्टि, उसका बॉयफ्रेंड. वो मुझसे बदला ले रहा था कि मैंने उसे पकड़वाया. क्यों देख लिया? देख लिया तुम मेरी गैर जिम्मेदारी का नतीजा? पहले मम्मी फिर रिश्ता. आलिया इस घर की बहू हो तुम. Where is your sense of responsibility? आलिया की क्या गलती है इसमें रमन, आप उस पे क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं सुना, आज मिस्टर तनेजा मेरे से अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस मांगने वाले थे. तुम जानती हो हमारी कंपनी की रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा. She has to understand, बच्ची नहीं है वो, इस घर की बहू है वो. रमन प्लीज अब आप बस करो. Enough, रमन. कब से उसे ब्लेम किए जा रहे हो? क्यों? Why should I stop it? और मेरा हक बनता आलिया पे चिल्लाने का. इस घर की बहू है, मेरा घर है ये, और मेरे घर का मामला शगुन ये. अगर उसे जिम्मेदारी नहीं संभाल लिया तो उसे सीखना पड़ेगा. That's it. For God's sake, यार, वो कोई अंतर्यामी है क्या? उसे क्या पता कि उसके फ्रेंड्स के लाइफ में क्या चल रहा है कि वो ड्रग्स लेते हैं. वो उनसे कितने दिनों बाद मिली थी, उसे बस आइसक्रीम खाना था. और तुम ही मुझे बताओ कि आइसक्रीम खाना गलत होता है? और बच्चों से गलती होती है, गलती होने के बाद ही सीखते हैं. लेकिन उसकी गलतियों की सजा मेरा परिवार नहीं भुगतेगा. ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अगर उसके दोस्त थे तो उसे पता होना चाहिए दोस्ती किससे करनी किससे नहीं. That is a sense of responsibility she has. इंसान पहचानने की शक्ति नहीं उसमें. पापा, प्लीज एक बार. Enough. और आप लोग सब मुझे क्यों समझा रहे हो? कोई इसे क्यों नहीं कहता कुछ? Fine. बहुत बड़ी गलती हुई है ना उससे, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ना समझे, अकल नहीं है उसमें. मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ. चलो आलिया. शगुन प्लीज रुक जाओ. प्लीज नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग? रमन समझाने के और भी तरीके हो सकते हैं. शगुन प्लीज, वो ना समझ है और घर की बात बाहर मत ले जाओ ना. अरे क्या घर की बात है, घर की बात कह के मुझे चुप करा रही हो? अपने हस्बैंड को समझा. कब से आलिया को इंसल्ट किया जा रहा है? मैं ये सब नहीं देख सकती. शी डजंट डिजर्व दिस. तुम चलो, हम पैकिंग करो. प्लीज क्या कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात. छोटी सी बात नहीं है, तुम्हारी गलती भी नहीं है आलिया. इसे कौन इंसल्ट करता है? अम्मा मेरी कोई इंसल्ट नहीं हो रही है यहाँ पे. रमन अंकल मेरे पापा हैं, अप्पा के जैसे हैं, उन्हें पूरा हक है मुझे डांटने का. अम्मा I'm sorry, मैं आपके साथ घर नहीं आ सकती. आलिया you don't deserve this बेटा. I'm really proud of you आलिया. Thankfully अब तुम सब समझने लगी हो. शगुन इसे पता है कि कोई इसकी इंसल्ट नहीं कर रहा है यहाँ. जो इस घर के बड़े हैं वो जहाँ इसे प्यार दिखाने का हक रखते हैं, वहीं इसे डांटने का भी हक रखते हैं. ये बाकी बच्चों की तरह है ना, आधी रूही पीहू, इसलिए इसके साथ बिहेवियर भी वैसे ही होता है. सब इससे बहुत प्यार करते हैं. एंड आई एम हैप्पी टू नो कि आलिया ये जानती है कि घर छोड़कर जाना किसी भी बात का सलूशन नहीं है.
प्राउड ऑफ यू। आलिया मैडम सॉरी, लेकिन सिर्फ इस बात को समझ लो कि अब तुम इस घर की बहू हो। हर बहू की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। That's all I'm expecting from you, please. Please, अंकल सॉरी मत बोलो। I am sorry, मुझे पता है मेरी गलती है, but मैं केयरफुल रहूंगी। हाँ, I guess मुझे चलना चाहिए। मामा, मामा। मुझे लगा तुम चली जाओगी। आलिया प्लीज कभी छोड़ के मत जाना मुझे, प्लीज। प्यारे पति देव, एक बात बताऊं, अब मैं तुम्हारे ना गले पड़ गई हूँ। अब तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। और पता है, अगर तुम्हें धक्के मार के भी इस घर से निकालो ना, वो भी नहीं चाहूंगी। अरे 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 अरे, मैं धक्के मार के क्यों निकालूंगा तुम्हें? कुछ लोग कहते हैं ना कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। क्या पता बोर हो जाऊं मुझसे, फिर घर से जाने को बोल दो। फिर मैं कहां जाऊंगी ना, मेरे पास तो एक ही पति है। तुम्हारे पास एक ही पति है? हुँ? तो शायद मेरे पास भी एक ही पत्नी है यार। अच्छा? हाँ, और मैं ना कभी नहीं जाने दूंगा तुम्हें, कभी नहीं। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। चलो देखते हैं। देखते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी परवाह नहीं करता? नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह मैंने तुमसे बाहर बात की ना, सॉरी आई शुड हैव फॉर इट्स ओके। अब प्लीज सॉरी मत बोलिए। सॉरी कहने की जरूरत है यानी, बिकॉज़ मेरी इसी गुस्से की वजह से ना मैं अपनों को बहुत नुकसान पहुंचा चुका हूँ, बहुत दुख दे चुका हूँ इससे पहले भी। लेकिन क्या करूं, जब पता चला कि आदि के प्रोजेक्ट को नुकसान है, उसका प्रोजेक्ट उसके हाथ से छीन सकता है, जब इशिता पे हमला हुआ है, and I just lost my cool, I'm sorry, मेरा शायद जताने का तरीका गलत है, लेकिन it's just that मैं परवाह बहुत करता हूं। आदि के कौन से प्रोजेक्ट को खतरा? आदि तुमने बताया नहीं मुझे। अरे कोई खतरा वतरा नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। मैं मिस्टर तनेजा को मैनेज कर लूंगा, वो बहुत इंप्रेस है मेरे काम से। हाँ आदि मैनेज कर लेगा, जब टैलेंटेड यंग बॉय। सॉरी, देखो डांटने में एक्सपर्ट हूँ और थैंक यू बोलना भूल गया। थैंक यू किस लिए? तुमने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, मेरी मेहनत और इतना सारा वक्त बचा लिया। थैंक यू सो मच आली। आई बीइंग खुश। सही है, इसको खुश कर दिया आप लोगों ने, सारा प्यार अपनी बहू को दे दिया और बेटे के लिए कुछ भी नहीं। आज उसे करते हैं प्यार। अच्छा ठीक है, आ जाओ लग जाओ गले। और आलिया जरा अपनी सास को समझाओ, ये उम्र नहीं खेलने कूदने की। जब तक हाथ नहीं ठीक होता पूरी तरह आराम करो तुम। मेरी मम्मी जी बड़ी नहीं हुई अभी तक, मैं कहाँ बड़ी होगी। चलो घर में कोई तो बड़ा हो। चलो प्रिवेसी आदि, तुमने पता नहीं है सब ठीक है, तुम सभी कुछ ठीक हो गया। स्माइल कर दे तो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।